दोस्तों, अडानी ज्ञान ज्योति के द्वारा स्कॉलरशिप निकाली गई है 2024-25, और ये किन के लिए है? ये फर्स्ट ईयर इन इंजीनियरिंग कोर्स, जो इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं और जो फर्स्ट ईयर में है, उनके लिए है। मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, सीए स्टूडेंट के लिए है, लॉ स्टूडेंट के लिए है, इकोनॉमिक स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पर अलग अलग लोगों के लिए, जो है अलग अलग बच्चों के लिए स्कॉलरशिप निकाली गई है। स्कॉलरशिप का जो अमाउंट, यहाँ पर आप लोगों को 3,50,000 तक की स्कॉलरशिप यहाँ पर आप लोगों को जो है दी जा सकती है। स्कॉलरशिप का प्रोग्राम का नाम है अडानी ज्ञान ज्योति स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024, आप बोल सकते हो, ठीक है। अब आपको जो अगर आपको अप्लाई करना है तो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, अप्लाई आप कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ना, अभी आप लोगों को बताता हूँ अबाउट द प्रोग्राम, अबाउट द प्रोग्राम यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो अडानी जो है ना, अडानी ज्ञान ज्योति स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज एन इंडिटेटिव बाय अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप जो है इंडिटेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो ये है, ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर आप लोगों को देता है, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी, एक डेवलपमेंट जो है स्टूडेंट को देगा, इकोनॉमिकली भी देगा। अब इकोनॉमिकल वी का सेक्शन कि जो है EWS हु हैव स्किल एकेडमिक, बाकी आप पढ़ सकते हैं पूरा, यहाँ पर जो है काफ़ी लंबा चौड़ा पर दिया हुआ है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है नीचे, फिर इकोनॉमिकल स्टूडेंट है, फिर लॉ स्टूडेंट, सीए स्टूडेंट, सब के स्कॉलरशिप के सब के बारे में जानेंगे। लास्ट डेट जो है सबका, जो लास्ट डेट है वो 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर तक जो है आप फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाया, क्योंकि इस वेबसाइट पर जो भी स्कॉलरशिप आता है सबका अप्लाई करने का प्रोसेस एक ही रहता है। आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानना है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट के जो एलिजिबिलिटी है, बेनिफिट्स सब जानना है, तो आप जो है ना, आपको यहाँ पर एक बटन मिलेगा व्यू डिटेल का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर ऐसे ही मैं क्लिक करता तो साइड में मेरा जो है एक डिटेल का सेक्शन ओपन हो जाता है। अब देखो किन के लिए है ये, अब देखो, अब जिनके पास आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के का जो है डोमिसाइल है, तो वो इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। अब कैन एंड कैन स्टडी इन एनी स्टेट अक्रॉस इंडिया, ठीक है, कहीं भी वो पढ़ता हो चलेगा, लेकिन यहाँ सबका उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी शर्त को क्या बोला गया है कि एप्लीकेंट मस्ट बी एनरोल्ड इन द फर्स्ट ईयर फॉर अ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स, स्पेसिफिकली बीए, बीटेक और इंटेग्रल 5 ईयर डुअल डिग्री मेट्रिक, आपको यहाँ पर बोला गया। साथ ही में यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग को एप्लीकेंट मस्ट है पास देयर हायर सेकेंडरी प्री यूनिवर्सिटी वगैरह जो है आप लोग को जो है यहाँ पर पास आपको बोला गया। साथ ही में यहाँ पर आप लोग को बोला गया है देखो आफ्टर 2023, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, देखो एप्लीकेटेड मस्ट हैव सिक्योर्ड JEE ऑल इंडिया रैंक विद द कट ऑफ 440,000, ठीक है। अब बेनिफिट जो है देखो बहुत लंबा एलिजिबिलिटी है, आप पढ़ सकते हैं खुद भी, क्योंकि स्कॉलरशिप आपको लेना है तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको लिंक जो है प्रोवाइड कर लूँगा। आप बेनिफिट जो है आपको 2.5 लाख रुपया पर ईयर आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको बोला गया। अब आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, डॉक्यूमेंट आपका जो है ना आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह आपको यहाँ पर बोला गया। आप करंट यानी कि इस साल आप जिस इंस्टीट्यूट, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका फी रिसिप्ट, एडमिशन लेटर, इंस्टीट्यूट आइडेंटिटी कार्ड यानी कि आपका आईडी कार्ड, फिर बोनी साइड सर्टिफिकेट एक्सेट्रा आप दे सकते हैं। आपका जो है यहाँ पर फैमिली इनकम का प्रूफ आपको बोला गया, ठीक है। फैमिली इनकम का आपका जो है यहाँ पर प्रूफ बोला गया, तो आपका फैमिली जो इनकम है वो आपका यहाँ पर बोला गया मस्ट नॉट एक्सीड 4,50,000, ठीक है, ये आपको बोला गया। लास्ट 3 मंथ्स का आपको फैमिली इनकम या सैलरी स्लिप आप दे सकते हैं, और IT रिटर्न फॉर्म, प्रीवियस ईयर मार्कशीट आप दे सकते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल दे सकते हैं, अपना रिसेंट फ़ोटो दे सकते हैं, 12th का मार्कशीट आपको देना पड़ेगा, एंट्रेंस रैंक सर्टिफिकेट, फिर आपको काउंसिलिंग लेटर, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, बोनी साहब सर्टिफिकेट, फी स्ट्रक्चर, पेरेंट्स और गार्जियन डिक्लेरेशन। अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई करने के लिए जो है यहाँ पर आप लोगों को जो है ना एक इंस्ट्रक्शन बताया गया है आप लोगों को। साथ ही में अगर आपको अप्लाई करने पर एक वीडियो चाहिए तो आप देखो यहाँ पर आप लोगों को वॉच वीडियो का ऑप्शन भी दिया हुआ है, अप्लाई करने के लिए अपने अपडेट यहाँ पर आपको दिया गया। अब बात करते हैं यहाँ पर देखें तो मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी जो है यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है स्कॉलरशिप की। इसमें जो है आपको क्या बोला गया है कि इसमें भी जो है आपको डोमिसाइल रहना चाहिए। कहाँ का रहना चाहिए डोमिसाइल, आपको यहाँ पर बोला गया आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़,
ठीक है, वहाँ के अगर आपके पास डोमिसाइल है, चाहे आप कहीं भी पढ़ते हो इंडिया में, लेकिन आपके पास इस स्टेट का जो है आपका डोमिसाइल बोला गया रहना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोगों को बोला गया है कि ओनली फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट, आप मेडिकल लाइन का है तो इसमें आप लोगों को जो है ना उन्हीं के लिए स्कॉलरशिप है जो फर्स्ट ईयर में है MBBS में, ठीक है। ये आपको बोला गया है एडमिशन टू द MBBS मस्ट बी बेस्ड ऑन अ मेरिट रैंक, ठीक है, मेरिट रैंक के बेस्ड पे आपका एडमिशन हुआ है, ठीक है, नेशनल लेवल एंट्रेंस, ठीक है, जिसे जो है यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है, नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। आवर एप्लीकेशन मस्ट हैव सिक्योर अ नीट ऑल रैंक विद अप विद विद इन द टॉप 1500 फैमिली एनुअल का आपका 4.5 लाख नॉट एग्जिट आपको बोला गया। अब चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ अडानी ग्रुप एंड बड़ी फोर स्टडी आर नॉट एलिजिबल। अभी जिस वेबसाइट पर मैं हूँ बड़ी फोर स्टडी के, वहाँ उसके चिल्ड्रन अप्लाई नहीं कर सकते। अडानी ग्रुप जिसके द्वारा स्कॉलरशिप लॉन्च किया गया है उसके चिल्ड्रन भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर इन दोनों के चिल्ड्रन अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनका जो है इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब BDS स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल। अब आपका बेनिफिट आपको 3.5 लाख रुपया मिलेगा, बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह आप जो है यहाँ पर वही आपका सेम डॉक्यूमेंट वगैरह रहने वाला आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है आपको क्या बोला गया है कि लॉ स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, और इसका जो यहाँ पर आप लोगों को बेनिफिट होता है आपको कम मिलता है, ठीक है। बाकी आपको बोला गया डोमिसाइल वगैरह सेम आपका रहने वाला है। ओनली फर्स्ट ईयर बिगिनिंग द स्टूडेंट इन द इंटीग्रेट 5 ईयर डुअल डिग्री LLB प्रोग्राम आर एलिजिबल। कौन एलिजिबल है आपको यहाँ पर बोल दिया गया पहले ही, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आप लोगों को फैमिली एनुअल इनकम 4.5 लाख बोला गया है। सर्वे एप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड अ क्लैट CLAT ऑल इंडायरेक्ट विथ इन अप टू 3000। अब आपको यहाँ पर जो है आपको बेनिफिट आपको 1,80,000 तक की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, तो कम है लेकिन फिर भी है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब लॉ स्टूडेंट के बाद जो है ना यहाँ पर आप लोगों को लास्ट है CA स्टूडेंट। अब इसका मैं क्लिक करता हूँ वीडियो, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मिसाइल आपको सेम जगह का बोला गया है। आप अगर BCOM डिग्री ओनली विथ CA आर एलिजिबल, ठीक है, अगर आप BCOM डिग्री कर रहे हैं CA के साथ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि भाई चिल्ड्रन आर नॉट एलिजिबल बड़ी फोर स्टडी और अडानी ग्रुप, ठीक है। अब इसमें आपको जो है 70,000 ही बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला गया है। अब इसमें जो है आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी, ड्राइविंग आपको बोला गया है, फिर रिसीवेशन लेटर, स्टूडेंट आइडेंटिटी, बोनीफाइड सर्टिफिकेट, आपका सैलरी स्लिप, मार्कशीट, प्रीवियस ईयर जो क्लास में थे उसका मार्कशीट, बैंक अकाउंट डिटेल, रिसेंट फ़ोटो, 12th का मार्कशीट, एंट्रेंस रैंक सर्टिफिकेट जो ऊपर बताया गया था आप लोग, कौंसल लेटर, फैमिली इनकम बोनीफाइड सर्टिफिकेट, फी स्ट्रक्चर और पेरेंट्स गार्जियन डिक्लेरेशन। और हाफ टू अप्लाई आपको कैसे करना है वो उसका वीडियो दिया हुआ नीचे वो देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था अडानी ज्ञान ज्योति स्कॉलरशिप प्रोग्राम, काफ़ी हैवी प्रोग्राम है इसलिए मैंने आप लोगों को सोचा बता दूँ। वैसे मैंने आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप की वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है चैनल पर, मैं अपलोड इसलिए कर दूँगा मैं सबका एक साथ बना सकता हूँ, अलग अलग इससे बताता कि जो है आपको कन्फ्यूज़न ना हो, कोई कॉलेज में है, कोई कॉलेज में है, कोई स्कूल में है, कोई अलग कोर्स कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन में, तो सबके लिए अलग अलग स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसलिए मैंने सबके लिए सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो और इस वीडियो में कुछ भी आप नया सीखे हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जिनको जो है ना स्कॉलरशिप की ज़रूरत है वो इसमें अप्लाई कर सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।